अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पार्ट वन कवर किया था, तो आज उसका हम पार्ट टू जो है वो कवर करेंगे, जो कि थर्ड टॉपिक है पीएमसी का। 30 एमसीक्यूज हमने पहले पार्ट में कवर कर लिए थे, नेक्स्ट 30 कोशिश करेंगे कि हम सेकेंड पार्ट में कवर करें इनके एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यू किस तरीके से अगर आ सकते हैं और किस तरीके से आपने जो है वो उनके आंसर करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है 31st, जो के है आरएनए इज प्रेजेंट इन द ए न्यूक्लियोलस, बी राइबोसोम्स, सी साइटोसोल, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो आरएनए है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में भी, जो कि न्यूक्लियस का इनर पार्ट होता है, राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में भी होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सब में मौजूद होता है। सेकंड क्वेश्चन है, 32nd क्वेश्चन है, फॉस्फोरिक एसिड हैज द एबिलिटी टू डेवलप डैश विद ओएच ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो उसकी जो एबिलिटी है कि वो किस बॉन्ड के थ्रू, कौन सा बॉन्ड बनाता है पेंटोज शुगर के ओएच ग्रुप के साथ। ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी एस्टर लिंकेज, सी कोवलेंट बॉन्ड, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है एस्टर लिंकेज। जो एस्टर लिंकेज है यानी कि एस्टर बॉन्ड जो है वो बनाता है फॉस्फोरिक एसिड जो है वो पेंटोज शुगर के ओएच ग्रुप के साथ वो बॉन्ड बनाता है, एस्टर लिंकेज बनाता है। 33rd क्वेश्चन जो है वो है, एनएडी इज एन एग्जांपल ऑफ, एनएडी किसकी एग्जांपल है, ए डाइन्यूक्लियोटाइड, बी ट्राइन्यूक्लियोटाइड, सी टेट्रान्यूक्लियोटाइड या डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिकली न्यूक्लियोसाइड प्लस, जैसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जो है या फॉस्फेट जो है वो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तीन चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, और जब दो चीज़ें यानी दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं तो उसे डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस तरह तीन से ट्राई बनता है, टेट्रा, फोर से होता है और बहुत सारे होते हैं तो वो पोली, लेकिन जो दो मिलकर बनाते हैं वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, और एनएडी जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। 34th क्वेश्चन है, एनएडी इज एन इम्पोर्टेंट, एनएडी क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी कोएंजाइम या डी विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोएंजाइम। ये एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम क्या होता है, जो कि एंजाइम कि जो पावर होती है उसको बढ़ाता है, उसके रिएक्शन को इनहांस करता है, फास्ट करता है। तो एनएडी जो है वो एक इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है। 35th क्वेश्चन है, मोराइस, विल्कंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन यूज द डैश टेक्निक टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की थी डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी एक्सरे डिफ्रेक्शन, सी अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सरे डिफ्रेक्शन। उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन यानी कि एक्सरेज को यूज करके डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमिन किया था। नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो था बिल्ड द डैश मॉडल ऑफ डीएनए, उन्होंने कौन सा मॉडल डीएनए का बिल्ड किया था, बनाया था, ए बेसिक, बी एक्सरे डिफ्रेक्शन, सी स्केल या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्केल मॉडल। अच्छा, स्केल मॉडल क्या होता है, वो मॉडल होता है जिसमें अब जैसे डीएनए का मॉडल है और उसमें हमें पता लगे कि नाइट्रोजनस बेसिस या दो बी बेसिस के दरमियान में कितना फासला है, एक टर्न में कितना जो है वो फासला है, एक टर्न एक जगह से दूसरी जगह पे कितना, कितनी अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है, इस तरह से जो यानी कि बीच में जो बेसिस का डिफरेंस है या गैप है वो हम स्केल से मेजर करते हैं, और इस मॉडल को जो है वो बनाया था डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट है कॉइलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज, कॉइलिंग जो है डीएनए स्ट्रैंड की वो क्या है, ए पैरेलल है, बी एंटी पैरेलल है, सी एनालोगस है या डी बोथ ए बी एंड सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसलिए क्योंकि डीएनए जो स्ट्रैंड है वो उसकी जो कॉइलिंग है वो एक साइड 3 से 5 डायरेक्शन में है तो दूसरी साइड उसके ऑपोजिट है 5 to 3 डायरेक्शन में, तो इसलिए वो एंटी हो जाते हैं एक दूसरे के पैरेलल, इसलिए उसे एंटी पैरेलल कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नॉन सेंस कोडोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, ए इनिशिएशन फैक्टर, बी टीआरएनए,
यानी ट्रांसफर आरएनए, सी रिलीज फैक्टर और डी अमीनो एसिड। नॉनसेंस कोडोन जो है वो कोडोन होते हैं जो कि कोड नहीं होते, ठीक है। तो वो जो कोडोन या जो कोड नहीं होते वहां पे इसका मतलब है कि वो स्टॉप हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडोन्स भी कहते हैं। तीन स्टॉप कोडोन्स या तीन नॉनसेंस कोडोन्स मौजूद हैं, ए यू जी, यू ए ए और यू ए जी, ये तीन नॉनसेंस कोडोन्स मौजूद हैं। लेकिन पूछा ये गया है कि ये रिकॉग्नाइज कौन करता है, किस तरह से रिकॉग्नाइज होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ए इनिशिएशन फैक्टर, बी टीआरएनए, सी रिलीज फैक्टर, डी अमीनो एसिड। तो इसका जो आंसर है वो है रिलीज फैक्टर, एक रिलीज फैक्टर होता है जो कि इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। 39th क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन। अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन ए एमआरएनए, बी आरआरएनए, सी टीआरएनए या डी डीएनए। ये अमीनो एसिड जो है वो किस बेस पे या इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट होती है उसकी बेस पे अरेंज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमआरएनए, एमआरएनए की बेस पे अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होते हैं, क्योंकि वो एक लेंथ बनती है ना, चेन बनती है एमआरएनए की, और उसी के अकॉर्डिंग वो अरेंज होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे से ट्रांसलेशन होती है और फिर प्रोटीन बनती है। तो जो सीक्वेंस होगा एमआरएनए का वही सीक्वेंस होगा प्रोटीन का बनने का। नेक्स्ट है, चेन लेंथ ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल इज डैश न्यूक्लियोटाइड। जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो चेन लेंथ होती है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए 40 to 50, बी 1000, सी 75 to 90 या डी 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाज़की सेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ए ट्रांसडक्शन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी रेप्लिकेशन या डी ट्रांसलेशन। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। ये वो सेगमेंट्स होते हैं या फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं इनको, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। डीएनए लाइगेज होता है जो कि डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, कहीं जोड़ने के लिए, कहीं अटैच करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेप्लिकेशन, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होती है तो फिर एक पार्ट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है डीएनए का, और वो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन होता है और उससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो कि डीएनए लाइगेज की कटिंग से बनते हैं, इन्हें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है 42nd क्वेश्चन, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज। वो कौन सा एंजाइम जो है रिक्वायर्ड होता है जो कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, ए डीएनए प्राइमेज, बी डीएनए लाइगेज, सी डीएनए पॉलीमरेज 1 या डी डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ टीआरएनए इज। जो थ्री डायमेंशनल शेप होती है टीआरएनए की वो कौन सी है, ए एल शेप है, बी क्लोवर लीफ लाइक शेप है, सी एक्स शेप है या डी वाई शेप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर का जो लीफ होता है, अगर आपने देखा है ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं उस तरह जो है वो ये होता है, तो उसकी जो शेप है वो इससे थ्री डायमेंशनल शेप इससे मिलती जुलती होती है टीआरएनए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड AGA स्पेसिफाइज डैश इन न्यूक्लियस। क्योंकि ये जो कोड होते हैं ये स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए होते हैं, एक प्रोटीन को कोड करते हैं और उसी के लिए ही मखसूस होते हैं। तो ये इन्होंने पूछा है कि जो कोड AGA है वो किसको स्पेसिफाई करता है, कौन सी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, ए है ल्यूसीन, बी ट्रिप्टोफैन, सी वैलिन या डी आर्जिनिन। तो इसका राइट आंसर है आर्जिनिन, आर्जिनिन को स्पेसिफाई करता है ये। 45th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म इन अ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम एट। इनके जब ट्रांसलेशन होती है तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, यानी कि पहला पहला जो होता है वो कौन सी जगह पे होता है, ए पी साइट, बी ए साइट, सी ई साइट और एनी ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि ए जो है वो सबसे पहले मौजूद होती है साइट, फिर पी होती है और लास्ट पे ई होती है जो कि एग्जिट साइट होती है। इसलिए इन्होंने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का पूछा है तो वो सबसे पहले ए साइट होगी। नेक्स्ट है 46th क्वेश्चन, द
पॉइजन्स लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स एंड सम ड्रग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि जो पॉइजन्स बताई गई हैं साइनाइड, एंटीबायोटिक्स और कुछ ड्रग्स, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ए इंजाइम्स, बी को इंजाइम्स, सी इनहिबिटर्स या डी कोफैक्टर्स। तो इसका राइट आंसर है इनहिबिटर्स, क्योंकि ये किसी चीज़ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, इसलिए ये इनहिबिटर्स कहलाते हैं। और ये ड्रग्स जो होती हैं ये बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को फौरन से स्टॉप कर देती हैं। 47th क्वेश्चन है, एंजाइम बी रिक्वायर्स जिंक Zn2 पॉजिटिव इन ऑर्डर टू कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ सब्सट्रेट एक्स। सपोज कोई भी सब्सट्रेट है और उसको कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम बी है जिसको एक मेटल यानी कि जिंक की जरूरत है उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए। द जिंक इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज, तो फिर यहाँ पे हम जिंक जो है वो उसको बेस्ट आइडेंटिफाई कौन करेगा या हम जिंक को किस तरह लेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं ए कोएंजाइम, बी कोफैक्टर, सी सब्सट्रेट या डी प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर है कोफैक्टर, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है बुक में तो आपको पता होगा कि जो मेटल्स होती हैं या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे जिंक की बात हुई है जो कि एक मेटल है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो अगर उसके साथ कोई एंजाइम रिएक्ट करता है तो वो कोफैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो कोफैक्टर है जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करेगा और कैटेलाइज करेगा सब्सट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम दैट मेनी बैक्टीरिया यूज टू मेक सेल वॉल। वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है एक एंजाइम की, कि जिससे बैक्टीरिया ने जिसको यूज करके बैक्टीरिया ने सेल वॉल बनानी थी? ए एम्फोटेरिसिन, बी पेंसिलीन, सी गेंटामाइसिन या डी सिफेलोस्पोरिन। तो इसका राइट आंसर है पेंसिलीन। पेंसिलीन अगर हम यूज करते हैं तो उसका ये काम होता है कि वो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम जिसने सेल वॉल बनानी होती है उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। जैसे ह्यूमन में ड्रग्स होते हैं या पॉइजन्स होते हैं वो इनहिबिटर्स का काम करते हैं, इस तरह बैक्टीरिया के अंदर अगर हम पेंसिलीन को यूज करते हैं तो उससे वो एंजाइम जिन्होंने उसकी सेल वॉल बनानी थी वो काम अपना करना छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन एंजाइम विल हाइड्रोलाइज एग वाइट बट नॉट स्टार्च। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि एग वाइट को तो हाइड्रोलाइज करते हैं लेकिन स्टार्च को नहीं करते हैं। इस हिसाब से विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इस ऑब्जर्वेशन को बेस्ट एक्सप्लेन करेगी? ए स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू हाइड्रोलाइज, बी एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, सी एग वाइट एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर हाइड्रोलिसिस या डी स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने काम में अपने स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। तो इस वजह से कुछ एंजाइम अगर एग वाइट को हाइड्रोलाइज करें लेकिन स्टार्च को नहीं करें, इट मींस कि वो एंजाइम जो हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक हैं, इस वजह से नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एंजाइम के हिसाब से ट्रू नहीं है, बाकी ट्रू है लेकिन एक नहीं है, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो ए है दे आर नॉन स्पेसिफिक इन द रिएक्शन, बी है दे चेंज द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, सी है दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट अ नॉन प्रोटीन पार्ट, या डी है दे आर सेंसिटिव टू हीट। इसका राइट आंसर है दे आर नॉन स्पेसिफिक इन द रिएक्शन, बिकॉज एंजाइम जो होते हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्पेसिफिक, इसलिए ये जो बात है ये ट्रू नहीं है, बाकी सारी जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे पूछा गया है कि जो पार्ट है होलोएंजाइम का, जो प्रोटीनिशियस प्रोटीनिशियस पार्ट है, हाँ वो होलोएंजाइम का वो क्या है? अच्छा, वो ए है एपोएंजाइम, बी है प्रोस्थेटिक ग्रुप, सी लेसिथिन या डी नन ऑफ दीज। तो जो पार्ट है प्रोटीनिशियस पार्ट है होलोएंजाइम का वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है एपोएंजाइम, जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो एपोएंजाइम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 52nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज अ ऑप्टिमम पीएच बट नॉट एसिडिक। इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसकी पीएच ऑप्टिमम होती है लेकिन एसिडिक नहीं होती? ठीक
ठीक है। तो ए है सुक्रेज, बी है एंटेरोकाइनेज, सी है कैटालेज, डी है स्लाइवरी अमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैटालेज, क्योंकि जो कैटालेज है वो उसका काम होता है कि वो जो होता है उसको कैटालाइज करता है, किसको कैटलाइज करता है, और उसको जो होता है ना उसको वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, कैटालिटिक रिएक्शन करता है सेल्स में। लेकिन जो बाकी हैं वो सारे, अगर आपने देखा है कि स्लाइवरी अमाइलेज या डेरोकाइनेज सुक्रेज, ये सारे स्टमक और एसिडिटी वहाँ पे होते हैं, इसलिए वहाँ वो जो है वो एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक नहीं होते, ठीक है। और उन लेकिन इनमें से कैटालेज जो है ये इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, लेकिन ये एसिडिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम कंबाइन विद, कोएंजाइम जो है वो किसके साथ कंबाइन होता है, ए प्रो एंजाइम के साथ, बी होलो एंजाइम के साथ, सी एपो एंजाइम के साथ, ये डी एंटी एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपो एंजाइम, क्योंकि कोएंजाइम कंबाइन करता है एपो एंजाइम के साथ तो होलो एंजाइम बनता है। अगर ये किसी को पता है तो वो जो है वो सही जो है वो आंसर फौरन लगा लेगा। नेक्स्ट है कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या है, ए ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन, बी हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, सी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, या डी आर वेरी रेयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है एंजाइम एक्टिविटी के अंदर, तो कोफैक्टर को हम कहेंगे कि ये एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाई डू ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर और द पीएच ऑफ द सिस्टम ऑल्टर एंजाइम एक्टिविटी। ऐसा क्या होता है कि पीएच जो है वो और टेम्परेचर जो है किसी सिस्टम का वो एंजाइम एक्टिविटी को ऑल्टर करता है, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस। उन्हें पूछा कि व्हाई ड्रास्टिक चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर या पीएच में वो एंजाइम एक्टिविटी को चेंज क्यों करते हैं, इसकी क्या रीजन है। ए दे चेंज द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ एंजाइम, बी दे डिस्टरप्ट हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स इन द एंजाइम, दे डिस्टरप्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन द एंजाइम, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल शेप को भी चेंज करता है, वो हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड्स को भी चेंज कर देता है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को भी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डैश इनहिबिटर्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सब्सटेंस, कौन से इनहिबिटर्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सब्सट्रेट के साथ, ए इरिवर्सिबल, बी कॉम्पिटिटिव, सी नॉन कॉम्पिटिटिव, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से इनहिबिटर हैं जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है, तो इसका राइट आंसर है कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं इसलिए वो कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं और इन्हें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। 57 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम के हिसाब से ठीक है, ए सम सबस्ट्रेट कैन मेक एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली, B all enzyme have the same optimum pH, C the active site of all enzyme have the same three dimensional shape, D all of these। तो इसका right answer है A, क्योंकि कुछ substrate ऐसे होते हैं जो कि enzyme change करते हैं shape कुछ हद तक, ठीक है, कुछ ऐसे substrate होते हैं जो कि कुछ हद तक shape को change करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन बाकी जो बातें हैं वो दोनों गलत हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि एंजाइम में सेम ऑप्टिमम पीएच होती है, नहीं, हर हर की अपनी 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 पीएच होती है, और एक्टिव साइट जो होती है तमाम एंजाइम की उनमें थ्री डायमेंशनल शेप सेम होती है, ऐसा भी नहीं है। तो ये ऑल नहीं हो सकता, ये ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स फ्रॉम वीक लिंकेज विद, रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो ये फॉर्म होना चाहिए वीक लिंकेज किसके साथ बनाते हैं, ए एंजाइम के साथ, बी सब्सट्रेट के साथ, या सी रिएक्टेंट के साथ, या डी प्रोडक्ट के साथ। तो इसका राइट आंसर है एंजाइम रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं वो लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है, द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन इंक्रीज रैपिडली इफ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज डबल इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनलिमिटेड सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। यानी कि अगर रेट जो है एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन का वो डबल हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है कि अगर एंजाइम को डबल किया जाए और अनलिमिटेड सब्सट्रेट प्रोवाइड की जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमने अनलिमिटेड सब्सट्रेट कंसंट्रेशन प्रोवाइड की है और एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन बढ़ गया है, उसकी क्या वजह है, उन्होंने ये पूछी है। ए नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीजेस, बी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर्स, सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, सी एंजाइम डू नॉट डीनेचर। तो इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ एक्टिव साइट, जैसे जैसे
हम सब्सट्रेट बढ़ाते जाएंगे, अनलिमिटेड कर देंगे, तो जाहिर एक्टिव साइट्स भी बढ़ेंगी और हमने जो है उस एक्टिव साइट बढ़ेगी तो उस जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है वो तेज हो जाएगा, रेट उसका बढ़ जाएगा क्योंकि जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको मिलती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, अ राइबोसोम इज डैश विद अ वेल डिफाइंड टर्शियरी स्ट्रक्चर दैट इनेबल इट टू कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन। एक राइबोसोम जो है ये एक क्या है, क्या इज डैश विद अ वेल डिफाइंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ए आरएनए मॉलिक्यूल, बी प्रोटीन मॉलिक्यूल, सी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, डी ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग आरएनए। तो ये राइबोसोम क्या है, ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है क्योंकि राइबोसोम आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइम को ही कहते हैं और इसका काम होता है कि ये राइबोसोम जो है उसको उसकी फंक्शनिंग को उसके केमिकल रिएक्शन को जो कि उसने करना होता है ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनानी होती है उसको तेज करने के लिए ये एंजाइम जो है वो यूज होता है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो